नौशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन वजीर आजम का जुमे को अमरीका का दौरा मुतवक्के है। अमरीकी सफीर का कहना है कि ट्रूडो के अमरीका के दौरे के दौरान अहम ऐलानात होंगे। ट्रूडो वसीतर इक्तिसादी इंजमाम पर जोर देने वाली मीटिंग्स में शामिल होंगे। कैनेडा का पाकिस्तान से निकाले जाने वाले गैर कानूनी अफगान महाजरीन से मुतालिक अहम ऐलान। कैनेडियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से राबते का मशवरा। अफगान महाजरीन इस्लामाबाद में कैनेडियन सिफारती खिदमात से राबता कर सकते हैं। कैनेडियन वजीर आजम का कार्बन टैक्स में मजीद छूट पर एब्सोल्युटली नॉट। सैस्केचवान के प्रीमियर की कार्बन टैक्स जमा न करने की धमकी। पॉलिवर का ट्रूडो पर कैनेडा को तकसीम करने का इल्ज़ाम। अल्लाह अकबर का नारा लगाने पर पुलिस की खातून पर फायरिंग। नकाब पोश खातून ने खुद को धमाके से उड़ाने की धमकी भी दी। पुलिस के खातून के साथ एक घंटे तक गिरफ्तारी देने के लिए मुज़ाकरात। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Laito Immigration. Canada mein tainat Amerikee safir ka kehna hai ke Biden is hafte Trudeau ka Washington mein istiqbal karenge. Mazeed janenge support mein. Canada mein tainat Amerikee safir ka kehna hai ke Biden is hafte Trudeau ka Washington mein istiqbal karenge. कैनेडियन वजीर आजम मगरबी नसफ कुर्रे में वसीतर इकतसादी इंजमाम पर जोर देने वाली मीटिंग्स में शामिल होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के मगरबी नसफ कुर्रे में वसीतर इकतसादी इंजमाम के लिए दबाव के एक हिस्से के तौर पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का जुम्मे को वाशिंगटन का दौरा मुतवक्के है। कैनेडा में अमरीकी सफीर डेविड कोहन का कहना है कि ट्रूडो डीसी में होने वाली मुलाकातों का हिस्सा बनेंगे ताकि बाइडन की हिमायत याफ्ता तजारती फ्रेमवर्क इक्तिसादी खुशहाली के लिए अमरीका की शराकतदारी को तश्कील देने में मदद मिले। इस मंसूबे का मकसद तकरीबन एक दर्जन ममालिक को खित्ते की मौशी मुसाबकत को तकवीत देकर मजीद मुलाजमतें पैदा करना और जमहूरियत पर एतमाद बहाल करना है। बाइडन ने इस प्रोग्राम का ऐलान जून 2022 में लॉस एंजलिस में अमरीका के सरबराही इजलास में किया। कहन का कहना है कि कैनेडा उन इकदार का इश्तराक करता है जो अमरीका खित्ते में चैम्पियन बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मीटिंग में कुछ अच्छे और दिलचस्प ऐलानात होंगे। ट्रूडो के दफ्तर की जानिब से वजीर आजम के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की गई। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अफगान महाजरीन से कहा है कि अगर वो पाकिस्तान में हिरासत में हैं तो उनसे राबता करें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अफगान महाजरीन से कहा है कि अगर वो पाकिस्तान में हिरासत में हैं तो उनसे राबता करें। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कनाडा ने कम अज़ कम 40,000 अफगानों को खुश आमदीद कहने का हदफ हासिल किया। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत उन अफगान तारकीन वतन को मुतनब्बा कर रही है जो पाकिस्तान में अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल होने का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो कानूनी दस्तावेजात ना होने की वजह से गिरफ्तार हो जाएं तो वो अपनी रिहाइश गाहें ना छोड़ें और उनसे इस्लामाबाद में कैनेडियन सिफारती खिदमात को मुतला करने के लिए कह रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 को क्लाइंट्स को भेजे गए एक नोट में लिखा गया है कि कोई भी इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा क्लाइंट जिसे पाकिस्तान में हिरासत में लिया गया है पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमीशन को फौरी तौर पर ईमेल के जरिए मुतला करें। आप जेरे हिरासत खानदान के रुकन की जानिब से पाकिस्तान में कनाडा के हाई कमीशन से भी राबता कर सकते हैं। ये पैगाम कनाडा की हुकूमत की जानिब से पीर के रोज किया गया
कि वो अगस्त 2021 में तालिबान के हाथों अफगानिस्तान के कब्जे के बाद कम अज़ कम 40,000 अफगानों को कनाडा लाने के अपने मुकर्रर हदफ तक पहुँच गई है, लेकिन ये इस वक्त भी सामने आया है जब पाकिस्तानी हुकाम उन अफगानों को मुतनब्बह कर रहे हैं जिनके पास कानूनी तौर पर मुल्क में मौजूद होने की इजाज़त देने वाले दस्तावेजात नहीं हैं कि उन्हें 1 नवंबर तक वीज़ा हासिल करना होगा या मुल्क बदरी या गिरफ्तारी का सामना करना होगा। अक्वामे मुत्तहिदा की माइग्रेशन एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हफ्ते पहले तारिकीने वतन को अपने गेस्ट हाउसेस को मुतलक करने के बारे में मुतनब्बा कर रही थी। IRCC के नोट में ये भी कहा गया है कि कनाडा की हुकूमत क्लाइंट्स को पाकिस्तान में अपनी हैसियत को बाकायदा बनाने में मदद नहीं कर सकती। अगर कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश के लिए उनकी दरख्वास्त मंजूर हो जाती है, तब भी अगर क्लाइंट्स ने तमाम मुकामी इमिग्रेशन की तामील नहीं की है तो हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी हुकाम बाहर निकलने से इनकार कर सकते हैं। दरी असना उनकी हुकूमत को अफगानों की तादाद बढ़ाने के मुतालबात का भी सामना है जो वो कनाडा में दाखिल करेगी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कार्बन टैक्स में मजीद छूट बिल्कुल नहीं होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कार्बन टैक्स में मजीद छूट बिल्कुल नहीं होगी। सैस्कीचुआन प्रीमियर स्कॉट मो ने धमकी दी है कि अगर मजीद छूट ना दी गई तो कार्बन टैक्स जमा करना बंद कर देंगे। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो इस बात पर कायम है कि उनकी हुकूमत तेल को गर्म करने पर 3 साल के वक्फे के ऐलान के बाद कार्बन टैक्स में मजीद कोई छूट नहीं देगी। ट्रूडो का मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आलूदगी पर कीमतों में कोई और तराश खराश या मौतली बिल्कुल नहीं होगी। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रूडो ने ऐलान किया कि हुकूमत 3 साल के लिए हरारती तेल को कार्बन टैक्स से मुस्तस्ना करार देगी। उन्होंने कहा कि तौकफ़ का मकसद उन कैनेडियनों को देना है जो अपने घरों को गर्म करने के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे ज़राए जैसे कि इलेक्ट्रिक हीट पंप्स पर जाने के लिए ज़्यादा वक्त देते हैं। लेकिन लिबरल्स को कंजर्वेटिव और कुछ सूबाई वजीर आजम की तरफ से प्रोपेन और कुदरती गैस जैसे ईंधन को टैक्स से मुस्तस्ना करने के लिए बढ़ते हुए सियासी दबाव का सामना है। ट्रूडो ने सिर्फ गर्म करने वाले तेल को मुस्तस्ना करने के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि ये गैस और प्रोपेन से ज़्यादा महंगा है और आम तौर पर कम आमदनी वाले कैनेडियन इस्तेमाल करते हैं। कार्बन टैक्स की छूट के अलावा ट्रूडो ने यह भी ऐलान किया कि उनकी हुकूमत एक ग्रांट प्रोग्राम शुरू करेगी जिसका मकसद कैनेडियनों को अपने घरों को गर्म करने के लिए हीट पंप इस्तेमाल करने और फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल से दूर रहने में मदद करना है। क़दामत पसंद रहनुमा पियर पॉलिवर ने ट्रूडो को एक खत लिखा जिसमें हुकूमत से तमाम हरारती ईंधन से टैक्स हटाने का मुतालबा किया गया। एक नकाब पोश खातून ने फ्रांस के दारुल हुकूमत के मेट्रो स्टेशन पर अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद मुसाफरों से बुलंद आवाज में कहा कि तुम में से कोई यहाँ महफूज नहीं है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए खातून पर फायरिंग कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एक नकाब पोश खातून ने फ्रांस के दारुल हुकूमत के मेट्रो स्टेशन पर अल्लाह अकबर का नारा लगाने के बाद मुसाफरों से बुलंद आवाज में कहा कि तुम में से कोई यहाँ महफूज नहीं है, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए खातून पर फायरिंग कर दी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक जोर जोर से अल्लाह अकबर के नारे लगाने के दौरान नकाब पोश खातून ने खुद को धमाके से उड़ाने की धमकी भी दी, जिस पर खौफ ज़दा मुसाफरों ने पुलिस को मदद के लिए कॉल कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून के साथ 1 घंटे तक गिरफ्तारी देने के लिए मुसाफरात किए मगर उन्होंने ताबुन नहीं किया। मुसाफरों की हिफाजत और अपने दिफा में मजबूरन हमें फायर खोलना पड़ा। वाकई में खातून को 8 गोलियां लगी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने इंकशाफ किया कि 38 साल खातून को 2021 में भी हसास इदारों और तनसीबात को निशाना बनाने की धमकियां देने पर गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा था। ताहम तफ्तीश के दौरान खातून के नफसियाती अमराज में मुब्तला होने का मालूम हुआ था। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।